हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय ऑनलाइन क्लासेस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू हैव टेकन माय यस्टरडेज लाइव क्लास, बिकॉज इफ यू हैव मिस्ड दैट क्लास यू मे हैव सम प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंडिंग दिस वीडियो। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कल ही हमने ऑनलाइन क्लासेस में इस लेसन को शुरू किया था एंड डीपली आई हैव टॉट everything very clearly that what is subject verb agreement। अगर मैं कल की पढ़ाई हुई चीज़ों को रिपीट करूँगा तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी एंड those who have already understood will be bored। okay, so if you haven't taken yesterday's class on Zoom live class, then students be more attentive on live classes। okay, बिकॉज वीडियोज तो आप जब मर्जी तब देख सकते हो, लेकिन लाइव क्लासेज इफ़ यू हैव मिस्ड इट्स लाइक स्कूल। जैसे स्कूल में नहीं आते हम तो जो क्लासेस में हुआ वो हमें नहीं पता चलता, वैसे ही लाइव क्लास है। ओके, सो मैंने आपको कल बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर इट विल टेक सिंगुलर वर्ब, इफ इट इज प्लूरल इट इज टेक प्लूरल वर्ब। तो मैंने आप लोगों से बताया था कि यहाँ पर कन्फ्यूजन क्या है कि हमें समझ में नहीं आता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो सिंगुलर होकर भी प्लूरल होते हैं, और बहुत से लगते प्लूरल हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, और भी तरह तरह की चीज़ें हैं जो कि आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू फ्रॉम योर बुक। आप लोग अपनी बुक भी साथ में लेकर के इस वीडियो को देख सकते हो। सो पहले अगर हम लोग ये एग्जाम्पल देखें पार्ट ए और पार्ट बी में, तो हम देखेंगे पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस सेम है, उसमें सिर्फ एक चीज़ का फर्क है, विच इज़ सब्जेक्ट एंड वर्ब। ओके, तो पहला सेंटेंस कहता है द गर्ल इज़ प्लेइंग, तो सब्जेक्ट जो है वो गर्ल है, वो अंडरलाइंड है, और जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज़ है। सेम सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है दूसरे वाले में बी पार्ट में, द गर्ल्स आर प्लेइंग, तो दूसरे वाले में जो सब्जेक्ट है वो गर्ल्स है एंड हेल्पिंग वर्ब आर है। ओके, तो पहले वाले में इस क्यों है, क्योंकि गर्ल था वो सिंगुलर था, दूसरे वाले में आर क्यों है, क्योंकि गर्ल्स है जो कि प्लूरल है। बॉय हैज़ कम, बॉयज हैव कम। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, अगर सिंगुलर होता है तो वो एस वाली वर्ब्स को लेता है, प्लूरल होता है तो एस वाली वर्ब को नहीं लेता। माय फ्रेंड लाइक्स, माय फ्रेंड्स लाइक, तो ये डिफरेंसेस आप बहुत आसानी से समझ जाओगे। द वर्ड्स एनसर्कल्ड इन द अबव सेंटेंस आर सब्जेक्ट्स एंड द वर्ड अंडरलाइंड आर द वर्ब्स। नोट द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस ए आर सिंगुलर एंड सो द वर्ब्स आर सिंगुलर, बट द सब्जेक्ट्स अंडर बी आर प्लूरल एंड सो द वर्ब्स टू आर प्लूरल। दिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज नंबर कॉल्ड ग्रामेटिकल कॉन्कॉर्ड। ओके, तो आप लोग जैसा कि देख सकते हो, जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब चूज कर रहे हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी सिंगुलर है। इसी को हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर ग्रामेटिकल कॉन्कॉर्ड भी कहते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या हमें पढ़ना है इसमें। नंबर, नंबर का मतलब होता है कि कैसे सब्जेक्ट कैसे सिंगुलर या प्लूरल होगा। द रूल रिगार्डिंग नंबर इज दैट अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब एंड अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। दिस इज इलस्ट्रेटेड बाय सेंटेंस गिवन अंडर ए एंड बी। तो वही चीज़ हम लोग देखते हैं कि अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर लेगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल लेगा। ओके, तो बच्चों जब नाउंस यूज होता है तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि कौन सा सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। ओके, लाइक बॉय सिंगुलर है, बॉयज प्लूरल है, गर्ल सिंगुलर है, गर्ल्स प्लूरल है। लेकिन कुछ ऐसे नाउंस होते हैं जिनको नहीं समझना मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड चिल्ड्रन, मैन मैन, वोमन विमेन, यस पीपल्स, पीपल्स तो कुछ होता ही नहीं, पीपल होता है और पर्सन होता है ना। तो जो प्रोनाउंस होते हैं उन वो भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, और प्रोनाउंस को हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बच्चों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन हम किसे कहते हैं, आई को या वी को।
प्रोनाउन आई और वी को फर्स्ट पर्सन कहते हैं और दोनों को हम लोग कैसा ट्रीट करते हैं, प्लरल के जैसा ट्रीट करते हैं, है ना। आई लाइक्स होगा कि आई लाइक होगा, तो आई को हम प्लरल के जैसे ट्रीट करते हैं तो होगा आई लाइक, है ना। आई हैज गॉन और आई हैव गॉन, आई हैव गॉन सही होगा। आई डोंट नो और आई डजेंट नो, आई डोंट नो होगा क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है और इसको हम प्लरल के जैसे ट्रीट करते हैं। उसी तरीके से जो सेकेंड पर्सन यू होता है उसको भी हम लोग प्लरल के जैसे ही ट्रीट करते हैं। यू हैव डन और यू हैज डन, यू हैव डन सही होगा। यू डोंट नो, यू डजेंट नो, यू डोंट नो सही होगा। यू लाइक्स चाउमिन और यू लाइक चाउमिन, यू लाइक चाउमिन होगा क्योंकि यू को भी हम लोग प्लरल के जैसा ट्रीट करते हैं तो उसके साथ हम प्लरल वर्ब लेंगे। थर्ड पर्सन में जो ही होता है वो सिंगुलर होता है इसलिए हम कहेंगे ही लाइक्स, लेकिन जो दे होता है वो प्लरल होता है इसलिए हम कहेंगे दे लाइक। आई होप ये चीज़ आप भी समझ चुके होंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स विच आर देयर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों। बेसिक्स तो हम लोग कल ही समझ गए थे, लेकिन हमें ऐसी कंडीशन समझनी है जिस कंडीशन में हम कंफ्यूज हो सकते हैं और हम सब्जेक्ट को सिंगुलर या प्लूरल समझने में प्रॉब्लम करते हैं, उसी चीज़ को हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे। सो देर आर सर्टन रूल्स गिवन विच यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न। हैव टू लर्न का मतलब कि आपको याद करना ही पड़ेगा, बिकॉज वंस यू विल लर्न इट विल हेल्प यू इन योर एंटायर लाइफ। दिस इज़ ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट, एक बार ये चीज़ याद करनी और ये चीज़ हमें ज़िंदगी भर काम देने वाली है। ओके, सो प्लीज़ माइंड दिस, लर्न दीज रूल्स बाय हार्ट। ओके, रूल नंबर वन, व्हेन सब्जेक्ट इज़ वन ऑफ प्लस प्लरल नाउन, फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ द बॉयज, द वर्ब इज़ सिंगुलर। इनका कहना है कि अगर वन ऑफ के साथ कोई प्लूरल नाउन लगा हो, क्योंकि ये रूल होता है जब भी हम लोग वन ऑफ का यूज़ करते हैं नाउन्स प्लूरल ही यूज़ होते हैं, तो वन ऑफ के साथ जब भी आप प्लूरल लगाते हो आपको देखने में लगेगा कि वन ऑफ द बॉयज़ बॉयज़ है तो सिंगुलर नहीं है प्लूरल है, लेकिन आप गलत हो। कहीं भी वन ऑफ के साथ लग रहा है सेंटेंस शुरू हो रहा है तो वो हो जाता है सिंगुलर, एक, क्योंकि इसका मतलब होता है कि मेरे तो बहुत से दोस्त हैं बट आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ माय फ्रेंड्स। मैं अपने किसी एक दोस्त की बात कर रहा हूँ, अपने दोस्तों में से किसी एक दोस्त की बात कर रहा हूँ, तो एक दोस्त तो सिंगुलर ही होगा ना। फॉर एग्जाम्पल अलाहाबाद इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश। अलाहाबाद एक ही शहर तो है ना पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बहुत शहर हैं लेकिन हम किसी एक शहर की बात कर रहे हैं और वो शहर अलाहाबाद है। ओके, राजीव इज़ माई वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, राजीव इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, तो राजीव तो एक ही हुआ ना। वन ऑफ द बॉयज, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, और मैंने आपको कल बताया सिंगुलर वर्ब वो होती है जिसमें एस लगा होता है, तो थ्रो में एस लगा होता है कि थ्रोस में एस लगा होता है। करेक्ट आंसर है थ्रोस। ओके, सेकेंड, समटाइम्स अ क्लॉज और अ लॉन्ग ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेपरेट द सब्जेक्ट फ्रॉम द वर्ब, वी शुड टेक केयर टू मेक द वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट। कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्लॉजेस या कुछ फ्रेजेस, कुछ अलग वर्ड्स सब्जेक्ट, मतलब ज़्यादातर केसेस में राम इज़ कमिंग, ही इज़ गोइंग, शी हैज़ कम, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब बहुत पास पास है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं, क्लॉज आ जाते हैं, तो उस केस में हमें कन्फ्यूज़ नहीं होता है, हमें मेन सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए अपने वर्ब का यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल द बुक विच यू गेव माई सन इज इंटरेस्टिंग, तो इस सेंटेंस में आपको लगेगा कि यू सब्जेक्ट है और आप आर लगा दोगे, आपको लगेगा माई सन सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन बेटा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द मेन पार्ट इज द बुक, तो द बुक अगर है तो द बुक सिंगुलर है, उस हिसाब से आप क्या लगाओगे, इज लगाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान से, इस वीडियो को आप जितनी मर्जी उतनी बार देखिए क्योंकि सारे रूल्स आपको बहुत काम आने वाले हैं।
When the subject is introductory, there, the verb agrees with the real subject, follows there. अगर कोई सेंटेंस की शुरुआत there से हो रही है तो there की शुरुआत हो रही है, there is like subject, but आगे चल के जो main subject है उस basis पे हमें is, am, are, was, were या मतलब जो भी verb या helping verb है उसका चुनाव करना है. हर बार there के साथ ना are लगेगा ना is लगेगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है देयर डैश मैनी बॉयज, तो आर मैनी बॉयज की इज मैनी बॉयज, आगे चल के सब्जेक्ट क्या है, बॉयज है. सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, सो देयर आर मैनी बॉयज. देयर डैश अ कैट, सब्जेक्ट क्या है, अ कैट. सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, सो देयर इज अ कैट. सो देयर इज नो बुक ऑन द टेबल, देयर आर नो बुक्स ऑन द टेबल. आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे. When a subject consists of two or more nouns, it takes plural verb. अगर subject में एक से ज़्यादा noun है तो वो plural ही हो जाता है. Ram and Shyam is coming or are coming? Are coming. Geeta and Babita is sister or are sister? Are sisters. Allahabad and Kanpur is big city? Are big city? Are big city. Okay? समझ गए हो? Kumar and his wife. Kumar है और उसकी बीवी है, दो लोग हैं. So two people are there, that's why it is plural. Kumar and his wife, plural ho gaya, are coming. Mohan and Sohan have gone to Delhi. I hope aap samajh gaye hoge. Sometimes two or more nouns are thought as one, they take singular verb. Kabhi kabhi kya hota hai bachcho, ki jaise ek hi noun hai, wo do hai. For example, maan lijiye ki aapke jo sir hain, jo teacher hain, वो एक इंजीनियर भी हैं. सो योर टीचर इज द टीचर एंड इंजीनियर बोथ. वो स्कूल में पढ़ाते भी हैं और वो इंजीनियर भी हैं, या फिर वो बिजनेसमैन है, या फिर वो डॉक्टर है. तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही आदमी या एक ही चीज़ के पास अलग अलग क्वालिटीज़ होती है, तो हम उसको दो तो मानेंगे नहीं ना, क्योंकि क्वालिटीज़ तो एक ही आदमी के पास है, बात तो हम एक ही आदमी की कर रहे हैं. सो वाई विल वी कंसिडर देम प्लोरल, वो तो सिंगुलर ही हुआ ना. फॉर एग्जाम्पल, और जैसे कभी कभी होता है कि हम लोग, जैसे ब्रेड एंड बटर, क्या ये अलग अलग चीज़ें हैं, एक ही चीज़ है ना, यू ईट ब्रेड एंड बटर, सो एक ही तो हुआ ना. उसी तरीके से हमें ध्यान रखना होगा कि हर बार एंड से जुड़ी हुई चीज़ प्लोरल नहीं होती, वो सिंगुलर भी होती है अगर आइडिया सेम है. सो ब्रिक एंड स्टोन इज यूज टू बिल्ड दिस हाउस. ब्रिक एंड स्टोन एक साथ ही तो यूज़ होगा ना. ब्रेड एंड बटर इज गुड ब्रेकफास्ट. तो समझ रहे हो ना, ये अलग अलग तो नहीं है ना, एक ही चीज़ जैसा है. When a plural number is used for distance, weights, heights or amounts of money, the verb is singular. Okay, यहाँ पर ये कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है रूल नंबर 6 में, कि जब किसी प्लूरल नंबर का इस्तेमाल होता है, लाइक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, किस चीज़ के लिए, दूरी बताने के लिए, वेट बताने के लिए, हाइट बनाने के लिए, या अमाउंट ऑफ मनी या कुछ पैसों को बताने के लिए, तब भी वर्ब सिंगुलर होगा. और इस चीज़ को बहुत लोग मिस्टेक करते हैं इस चीज़ के लिए, इसलिए ध्यान से सुनिए. 2000 रुपीज़. अब 2000 रुपीज़, आपको लगेगा रुपीज़ लिखा है, 2000 लिखा है, एक थोड़ी ना बहुत ज़्यादा है, प्लूरल होगा. लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि रूल कहता है कि अगर नंबर यूज़ हो रहा है डिस्टेंस, वेट, हाइट, अमाउंट ऑफ मनी के लिए, तो वर्ब सिंगुलर होगा. 2000 रुपीज़ इज सफिशियंट टू बाय ऑल दीज. 2 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस. 2 किलोग्राम्स ऑफ मिल्क कॉस्ट्स, प्लूरल वर्ब सिंगुलर है कॉस्ट. ओके, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है. 7th पॉइंट, इफ द टाइटल ऑफ अ बुक और द नेम ऑफ अ हाउस और अ होटल इज प्लूरल, इट इज़ रिगार्डेड एज सिंगुलर. अगर बेटा ये बताओ कि अगर किसी बुक का नाम है, किसी सब्जेक्ट का नाम है, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, लेकिन है तो वो एक ही ना. अगर किसी घर का नाम है या किसी पर्सन का नाम है जो एस से एंड हो रहा है, किसी भी चीज़ का टाइटल अगर वो लगता है हमें कि वो प्लूरल से प्लूरल है, लेकिन वो किसी का नाम है, तो भी हम उसको सिंगुलर ही मानेंगे. ऑफकोर्स मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, हम कहते हैं ना, आर माय फेवरेट सब्जेक्ट कहते हैं, नहीं कहते. द अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स एक बुक का नाम है, नॉवल का नाम है, तो ये एक बुक का टाइटल है, इसलिए इज अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज. द होटल
कार्ट्रिजेस सॉरी होटल क्लैरिजेस, जो क्लैरिजेस एक होटल है ओके इज इन दिल्ली, क्योंकि वो एक ही होटल की तो हम बात कर रहे हैं ना। सिविल लाइंस इज अ प्लेस इन इलाहाबाद और आर अ प्लेस इन इलाहाबाद, एरिया का नाम है ना, नाम तो किसी एक ही चीज का होगा ना बच्चों, समझ गए आप लोग ओके। सोच रहे होगे आप लोग कि सर कितने सारे रूल्स बताएंगे, सारा कुछ कैसे याद करेंगे, है ना, घबरा रहे हो, बट प्लीज डोंट वरी स्टूडेंट्स। आपको अगर ये वीडियो लेंदी लगती है, पूरी वीडियो एक साथ मत देखिए, 10 मिनट देखिए फिर रेस्ट कर लीजिए, फिर बाद में 10 मिनट देखिए ओके। लेकिन मेक श्योर यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी पॉइंट, आई वॉन्ट एवरीबडी यू हैव टू लर्न ओके, प्लीज लर्न। मैं आपको रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, कमांड भी कर रहा हूँ, एंड आई एम ऑर्डरिंग यू एज वेल दैट यू हैव टू लर्न दिस ओके। लास्ट में हम लोग देखते हैं बच्चों, व्हेन अनदर सब्जेक्ट इज एडेड टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय एडिंग विद एज वेल एज इन एडिशन टू एक्सेप्ट एक्सेट्रा द सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अगर सब्जेक्ट के साथ हम लोग किसी दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं विद के साथ, एज वेल एज के साथ, इन एडिशन टू के साथ, एक्सेप्ट के साथ, फिर भी सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर ही कंसिडर किया जाएगा। मोहन एज वेल एज हिज सिस्टर, अब आपको लग रहा है कि मोहन भी है उसकी बहन भी है, दो लोग हो गए तो प्लुरल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर जोड़ने के लिए एज अ कंजंक्शन हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं विद एज वेल एज इन एडिशन टू एक्सेप्ट का, तो हम उसको सिंगुलर ही मानते हैं, अगर एंड होता तो प्लुरल हो जाता। सो मोहन एज वेल हिज सिस्टर्स वॉज प्रेजेंट, माई नेबर इन एडिशन टू हिज सन हैज गॉन, द होल क्लास एक्सेप्ट मी वॉज प्रेजेंट, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें याद ही कर सकते हैं, इसको कैसे बताएं हम, याद ही करना होगा और क्या कर सकते हैं उसके लिए। वी यूज सिंगुलर वर्ब विथ सिंगुलर प्रोनाउन सच एज अर्थ ईच ईदर नीदर एनी वन समवन एनीबडी। अगर आपका सेंटेंस में ईच ईदर नीदर एनी वन समवन समबडी एवरीबडी नो वन नो बडी ऐसा कुछ आता है तो उसको सिंगुलर ही मानना। Each of them was present in the class. Neither of the girls is happy. Someone has broken this slate. Everybody visits there. No one is present in the school. Okay, समझ गए हो आप लोग? Okay. आगे हम लोग रूल पढ़ते हैं, बस थोड़े रूल्स और हैं. Have some patience, my dear students. 10th. Two or more singular subjects are connected by nor or, then the verb takes the number of nouns nearest to it. अगर कोई दो subject nor या or से जुड़े हों, nor या or से जुड़े हों, तो verb वो होगा जिसके पास जो subject है, जैसे रवि और his sisters प्लरल इज प्रेजेंट कि आर प्रेजेंट, तो पास में हिज सिस्टर्स है वो कि प्लरल है तो आर प्रेजेंट हो जाएगा। नीदर ही नॉर हिज ब्रदर्स, अब वर्ब के पास में क्या है, ही है कि ब्रदर्स है, ही होता तो सिंगुलर होता, ब्रदर्स है तो प्लरल है, तो प्लरल के हिसाब से क्या हो जाएगा वर। ईदर यू और शी, अब प्लीज टेल मी दैट लाइक किसके पास कौन सा वर्ड है, ईदर यू और शी, तो शी इज सिंगुलर और प्लूरल, आप कहोगे सिंगुलर है, सो दैट्स वाई वी विल यूज इज ओके। सो ईदर या ईदर के साथ या नॉर, ईदर और नीदर नॉर, जो पास में वर्ड होगा उसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं, समझ गए आप लोग। A collective noun takes a singular verb when it is considered as a unit, but when the subject is thought of individual among the group, then we use a plural verb. हाँ, ये point थोड़ा सा tricky है, इस बात को हमें समझना होगा, okay? इस point को बहुत ध्यान से समझो बच्चों, ये कह रहे हैं कि कोई भी collective noun को हम लोग singular ही मानते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ समथिंग, लाइक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स कॉल्ड आर्मी, ग्रुप ऑफ जजेस कॉल्ड ज्यूरी, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि अगर ये सब यूनाइटेड हैं किसी आइडिया में तो उनको सिंगुलर ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन ये अलग अलग हो जाते हैं तो इनको प्लुरल माना जाता है। कैसे, एग्जाम्पल्स देखते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा।
Every family here owns a television. A family एक group है ना, family एक group है और owns a television, क्योंकि ये singular हम मान रहे हैं. My family, all the members, my family मतलब मेरे family में जितने भी members हैं, enjoy listening to songs. Okay? Jury is are about to announce the winner. अब jury का मतलब होता है judges. Judges अगर अपने फैसले को एक राय में सुनाते हैं, सारे judges एक तरफ फैसला सुनाते हैं तो is लगेगा, लेकिन अलग अलग फैसला सुनाते हैं तो are हो जाएगा. The committee was unanimous in its decision. मतलब कमेटी ने एक साथ मिलकर के फैसला लिया, वोट लगा. कमेटी ने अलग अलग होकर के फैसला लिया तो वर हो गया. हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? आई होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट पॉइंट, सम नाउन्स विच अपीयर टू बी सिंगुलर इन फॉर्म टेक प्लूरल वर्ब. एग्जाम्पल, पुलिस, टीम, कैटल, पीपल. कुछ कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि दिखने में सिंगुलर लगते हैं क्योंकि वो एस से एंड नहीं होते हैं, उनके वॉवल में भी कोई डिफरेंस नहीं होता. जैसे कि मैंने कल भी एग्जांपल में बताया, पीपल, कैटल, पुलिस, टीम, ये सब देखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते कैसे हैं प्लूरल. तो इसको हमें प्लूरल का जैसे ट्रीट भी करना होगा. द इंडियन टीम विन द टॉस. पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ. द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड. ओके, बस कुछ और नाउन्स बचे हैं बच्चों. आई यू थिंक यू कैन टेक रेस्ट. ओके, बट हर चीज़ को हमें बहुत ध्यान से समझना है. ये चीज़ आपको हमेशा काम आएगी. सम नाउन्स प्लूरल इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलर बट इन मीनिंग यूजुअली दे टेक अ सिंगुलर फॉर्म. जैसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, गैलोस, एक्स, मीजल्स. सो कुछ ऐसे नाम होते हैं जो कि एस के साथ एंड ही होते हैं. हम लोग न्यूज़ ही कहते हैं, हम लोग मीजल्स बीमारी है, बहुत सी ऐसी बीमारी है जो एस से एंड होती है, डायबिटीज़, मीजल्स, मम्स. तो क्या ये प्लूरल हो गई? नहीं, एक ही बीमारी का नाम है. सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, यस. तो अकाउंट्स, ये सब क्या प्लूरल हो जाएंगे? एक ही सब्जेक्ट तो है ना, तो सिंगुलर ही तो रहेंगे. मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, दिस न्यूज इज गुड फॉर यू, मीजल्स इज अ हार्मलेस डिजीज. आगे देखते हैं. द फॉलोइंग नाउन्स रिफर टू द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी एंड एक्टिविटीज, सम ऑफ देम ओकेजनली यूज्ड एज प्लूरल नाउन्स. देखो, कभी कभी जो नाउन्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं, जो कि स्टडी होते हैं या कोई एक्टिविटी होते हैं, समटाइम्स दे टेक प्लूरल. ओके, फॉर एग्जाम्पल, acoustics, athletics, electronics और politics. तो ये कन्फ्यूजन वाले होते हैं, इसके कभी सिंगुलर भी होते हैं, कभी प्लूरल भी होते हैं. acoustics इज अ सब्जेक्ट ऑफ साइंस. तो यहाँ सब्जेक्ट के जैसे ट्रीट कर रहे हैं इसलिए ये इज है. द acoustics ऑफ दिस हॉल. तो यहाँ पर जो acoustics है उसका मतलब दूसरा है और इसलिए वो प्लूरल के जैसे ट्रीट हो रहा है, इसलिए हम कह रहे हैं आर नॉट गुड. acoustics मीन्स कि उसका जो शेप एंड साइज है वो कैसा है. पुलिस इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. पॉलिटिक्स अगर सब्जेक्ट के जैसे हम बात करेंगे तो सिंगुलर है. हिज पॉलिटिक्स आर क्लियरली लेफ्टिस्ट. और हम यहाँ पर उसकी पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, मतलब उसके डिसीजंस की बात कर रहे हैं, तो वो प्लूरल हो गया. When an uncountable noun is the subject, we use singular verb. अगर कोई uncountable noun subject में है, for example, fear begins to haunt us during the fear begins है, atmosphere है, absence है, तो ये सब uncountable thing है. Okay? So इसके लिए हम singular का ही इस्तेमाल करते हैं. Fear begins to haunt us. The atmosphere is his absence. Has, क्योंकि हम इन्हें काउंट तो कर नहीं सकते. कलेक्टिव नाउन सच एज ग्रुप ऑफ थिंग्स, क्राउड, पीपल, फ्लॉक, शीप, रेजिमेंट, सोल्जर एक्सेट्रा जनरली टेक अ सिंगुलर वर्ब. कोई भी कलेक्टिव नाउन हो गया, आर्मी, क्राउड, सोल्जर एक्सेट्रा, ग्रुप ऑफ पीपल, वॉज सिटिंग, अ ग्रुप है तो वॉज होगा, फ्लॉक है तो वॉज होगा क्योंकि कलेक्टिव नाउन है. क्लास नाउन सच एज फूड, फर्नीचर, क्रॉकरी, क्लोदिंग एक्सेट्रा टेक अ सिंगुलर वर्ब. क्लास नाउन का मतलब है कि जैसे कैटेगरी कर देना, है ना, जैसे कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी, ये सब फूड है ना, टेबल, चेयर, सोफा, ये सब क्या फर्नीचर.
है ना, ग्लास, यूटेंसिल, स्पून, ये सब क्या है, क्रॉकरी। मतलब इनको एक क्लास दे दी, इनको बता दिया कि ये है, तो इनको भी हम लोग सिंगुलर ही मानते हैं। दिस फर्नीचर इज़ वेरी कॉस्टली, द कटलरी ऑफ दिस प्लेट इज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे हम लोग देखते हैं, वी समटाइम्स यूज अ पेयर ऑफ विद अ सर्टेन नाउन्स, एग्जाम्पल शूज, ट्राउजर, सीजर्स एक्सेट्रा, दे टेक सिंगुलर वर्ब। अगर हम कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो कि पेयर में हमेशा आते हैं, मतलब जोड़े में आते हैं, जैसे चश्मा पेयर्स में आता है, उसको पेयर ऑफ स्पेक्स कहते हैं, शूज़ जोड़े में आता है, पेयर ऑफ शूज़ कहते हैं, पैंट्स पेयर ऑफ पैंट्स कहते हैं, तो उसके साथ हमेशा हम सिंगुलर ट्रीटमेंट ही करते हैं। ओके, अ पेयर ऑफ शूज वॉज लाइंग, दिस पेयर ऑफ ट्राउजर्स बिलोंग्स टू मी। बट इफ वी अमिट पेयर ऑफ देन दीज नाउन्स आर ट्रीटेड एज प्लूरल एंड दे टेक प्लूरल वर्ब। अगर हम पेयर ऑफ को हटा दें तो ये प्लूरल बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दीज शूज वर डर्टी, दिस शूज वर डर्टी, दीज ट्राउजर्स आर माइन। अगर पेयर ऑफ को हटा देंगे तो वो नाउन क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील, प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ, सिंगुलर व्हेन दे रिफर टू अमाउंट और क्वांटिटी, बट दे आर प्लूरल व्हेन दे रिफर टू नंबर। अगर अ लॉट ऑफ का, ग्रेट डील का, प्लेंटी ऑफ का इस्तेमाल, सम का इस्तेमाल किया जाता है किसी अमाउंट या क्वांटिटी के लिए, तो वो सिंगुलर होता है, लेकिन अगर उसका इस्तेमाल किया जाता है किसी नंबर के लिए तो वो हो जाता है प्लूरल। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ पीपल, पीपल को आप काउंट कर सकते हो तो नंबर है वो, इसलिए वर देयर। अ लॉट ऑफ मिल्क, मिल्क काउंट कर सकते हो, नहीं तो वो सिंगुलर है। आई होप माई डियर स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। ओके, अब ये एक्सरसाइज देख सकते हैं आप लोग, एक्सरसाइजेस आप लोगों के लिए सॉल्व हैं। एंड फर्स्ट आई वुड से कि अभी आप लोग अपने से एक्सरसाइज करने की कोशिश करो, फिर आंसर्स को मैच करो। एक्सरसाइज 1 इज़ ऑल डन फॉर यू, एक्सरसाइज 2 इज ऑल्सो डन फॉर यू, एक्सरसाइज सॉरी अपसाइड डाउन 3 डन फॉर यू। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप, सॉरी सॉरी फॉर दैट, लाइक आई होप एवरी थिंग इज नाउ क्लियर। देखो बच्चों, एक्सरसाइजेस करके याद कर लेना इज नॉट अ गुड आइडिया। अगर हमें सारे रूल्स याद होंगे तो हम कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू टू लर्न ऑल दी रूल्स। सो माई डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव कम सो फार देन प्लीज़ मेंशन योर नेम्स ऑल्सो। आई फाउंड कि मैं वीडियो रिलीज करता हूँ, उसको अपलोड हुए 5 मिनट नहीं होता और बच्चे अपना नाम लिख देते हैं, तो आप लोग प्रेजेंट तब लगाया करो जब पूरी वीडियोज़ देख लिया करो। ओके, योर अटेंडेंस इज इम्पॉर्टेंट बट योर एजुकेशन इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, काइंडली नोट दिस वर्ड। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टुमारो इज संडे, एन्जॉय, बाय बाय।